S20 FE, हाँ गाइज, यहाँ पे सैमसंग का S20 FE 5G जो वेरिएंट है वो आज इंडिया में लॉन्च होना है, बट अभी तक यहाँ पे कुछ इसके बारे में कंफर्मेशन और कुछ अभी तक मैंने देखा नहीं कि इसकी प्राइस निकल के आ गई है। इसमें हम बात करते हैं इसी फोन के बारे में, S20 FE 5G के बारे में, तो पूरा देखिएगा, जल्दी को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। सैमसंग का S20 FE 5G जो आने वाला है, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है, यहाँ पे बहुत कुछ भी देखने मिलने वाला है। अभी मुझे लगता है कि रात तक या तो इसकी प्राइस निकल के आ जाएगी या तो फाइनली मतलब कल, या मतलब ये नहीं पता मुझे अब कब ये लॉन्च होगा, बट क्योंकि आज डेट थी और अभी तक यार लॉन्च तो नहीं हुआ, जब तक मैंने वीडियो बना रहा हूँ अभी तक तो कुछ उसकी कंफर्मेशन नहीं आई है। चलिए सबसे पहले बात करता हूँ इस, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक और बहुत बढ़िया न्यूज़ है, S20 FE जो 4G वेरियंट है, जो पुराना वाला है, जो पिछले साल वाला है, उसके बारे में बात करता हूँ। तो वो वाला भाई फोन जो है, मैं आपको बता दूँ भाई, वो अब सस्ता हो गया है। हाँ, 44,999 रुपीज़ में मिल रहा था, अब वो अमेज़ॉन में आप जाओगे 36,000 करीब कुछ मिल रहा है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस कट हो गया है, और आई थिंक और प्राइस कट होगा जब भी 5G आएगा। तो अगर आप ले रहे हो, वो लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है, वो आपके ऊपर है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। चलिए S20 FE 5G की बात करता हूँ। तो सबसे पहले बिल्ड डिज़ाइन में बात करूँ, वैसे ही डिज़ाइन होने वाला है S20 FE जैसा ही, और बहुत प्रीमियम लुक है भाई डिज़ाइन में, तो भाई ऐसी मतलब FE भी बहुत बढ़िया है S20 FE, तो यहाँ पे वैसा ही आपको देखने मिलेगा। डिस्प्ले यहाँ पे 6.7 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलेगा, सुपर एमोलेड होगा, 120 रिफ्रेश रेट भी मिलेगी, तो भाई डिस्प्ले आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने मिलेगा, सेंटर कंट्रोल भी आपको देखने मिल जाएगी। आगे मैं बात करें तो चिपसेट के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो चिपसेट है वो स्नैपड्रैगन का 865G वाला चिपसेट मिल जाएगा, जो 5G चिपसेट है, और ये फोन आपको 5G मिलेगा सपोर्ट, तो भाई ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। एंड आई थिंक स्नैपड्रैगन 865 बहुत ही अच्छा चिपसेट आपको देखने मिल जाता है। आगे मैं कैमराज की बात कर लेता हूँ, तो गाइज यहाँ पे जो कैमराज हैं, यहाँ पे जो रियर में जो कैमरा आपको मिलता है वो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है, अल्ट्रा वाइड डेप्थ सेंसर, माइक्रो लेंस, इसमें ट्रिपल कैमरा मिलता है, क्वाड कैमरा नहीं मिलता है, 64 मेगापिक्सल मिलेगा एंड अल्ट्रा वाइड मिलेगा, एंड शायद सिर्फ माइक्रो लेंस या तो डेप्थ दिया होगा। सेल्फी की बात करता हूँ, तो सेल्फी में 32 मेगापिक्सल की सेंटर पंच होल के साथ आपको सेल्फी भी देखने मिल जाएगी, जो मेरे हिसाब से वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। आगे बैटरी की अगर बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जो बैटरी है आप लोगों को 4,500 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप से मिलता है, और 2500 की फास्ट चार्जिंग भी देखने मिल जाती है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि 4,500 mAh की बैटरी प्लस टाइप सी और 2500 की फास्ट चार्जिंग में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा है मुझे। यू अगर बात करता हूँ, एंड्रॉइड 11 आपको बॉक्स मिलेगा, एंड 1 UI के साथ ये रन करेगा, 1 UI 3 आ ही जाएगा, एंड यह पूरा यहाँ पे आपको आउट द बॉक्स 1 UI 3.1 मिल जाएगा। यह पूरा यहाँ पे सैमसंग का S20 FE 5G जो आपको इंडिया में अंदर आज देखने मिलने वाला था, और मुझे पर्सनली लगता है आज हो ही जाएगा लॉन्च, जितना मुझे लगता है, क्योंकि अब भाई 30 मार्च कह दिया है तो हो ही जाएगा। एंड लेट्स सी, इंतजार करते हैं प्राइस क्या होगी, कम्युनिटी टैब में मैं होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा वहाँ पे, और लेट्स सी क्या होती है इसकी प्राइस। अगर लाइक इसकी प्राइस है मुझे लगता है 40 मतलब ये, क्योंकि आप देख S20 FE जो था वो भी बहुत महंगा था, तो ये फ़ोन भी मुझे नहीं लगता 50,000 रुपये के नीचे होने वाला है। तो एक्सपेक्ट, अब अगर आप कर रहे हो कि ये प्राइस बहुत, गाइज आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस बहुत एग्रेसिव होगा, मगर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं होगा, ये ओवर प्राइज होगा। तो याद रखिएगा इस फोन का प्राइस 45 के अबव ही होगा, तो अगर इंतजार करना चाहते हो तो इंतजार कर सकते हो, पर्सनली मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट हाँ अगर आपको इतना पसंद है ये फोन, मतलब फैन एडिशन है क्योंकि आपको पता है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, बट हाँ महंगा होगा, याद रखिएगा वही बात। एंड फाइनली लॉन्च तो मैंने बताया कि इंतजार कर रहे हैं लॉन्च होने का, अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। बस वीडियो पसंद आई लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी तक आपने नहीं किया। कल के वीडियो में जो है वो आपने भाई अच्छा सपोर्ट बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और इस वीडियो में भी सपोर्ट अपना दिखा दो, और S20 FE के आप लोग क्या लगता है कमेंट करिए मुझे वो भी बता दीजिएगा। और लास्ट ऑफ ऑल यही कहूँगा कि अगर ये फ़ोन जो है वो 40 मतलब मैं तो समझता हूँ कि अगर ये 30,000 रुपये में आता है जब बहुत सही होगा ये फ़ोन, अगर ये लाइक 40 to 45 तो जाएगा तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट अगर जब भी आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। बट हाँ वीडियो पसंद आइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड S20 FE के बारे में मुझे कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। S20 FE 5G जो है, मुझे पर्सनली पहले लग रहा था कि S21 FE आएगा, क्योंकि भाई S21 सीरीज़ आ चुकी है, तो हो सकता है कि भाई मतलब मुझे लगा कि S21 FE आ रहा है, बट नहीं S20 FE ही आ रहा है, तो बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। चलिए, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।